रुकने के। सरकार खोलो, हम उतरेंगे। हाल्ट, टांगे अप, मुंह शट अप। जनाब फतियोगी हटीले ने मुहूर्त निकालकर हमसे कहा था कि 12:12 पर ही हम महल में कदम पोशी कर सकते हैं। अभी 2 सेकंड बाकी है, तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी उठा के रखिए टांगे और सांस बंद। सांस छोड़ दीजिए। हाय कैप्टन, अरे ये क्या हुआ कैप्टन, हमें छुपा लो, अपने छुपा लो। रश्मा रश्मा, ये अब ये क्या कर रहे हैं? कैप्टन महल तो खड़ा है, फिर ये धमाका कैसा? ओह राजकुमार, ये आपकी सलामी में तोपें चल रही हैं। नहीं कैप्टन, अगर हमारी सलामती चाहते हो तो ये तोपों की सलामी रोक दो कैप्टन। हाय कैप्टन, हमें बचा लो, बचा लो। ओ कमबख्तो, वही बचपना, वही शरारत है। क्या बचपन में हमने आपसे कोई शरारत की थी? जी नहीं। लेकिन मैडम आपकी तारीफ। मलका फिक्टोरिया। मलका फिक्टोरिया, याद है बचपन में मैंने आपसे शादी की बात की थी? आपने हमसे शादी की बात की थी, उसके बाद हम क्या बेहोश हो गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैडम फिक्टोरिया, अब तो आपकी उम्र उम्रा हो चुकी है, हमारी शादी आपसे। एक्सक्यूज मी, वो शादी की बात मम्मी की नहीं, हमारी हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बाबा तो काफी परेशान हो चुका है। ये बाबा नहीं है, ये तो बेबी चमेली है। अच्छा, तो क्या इनकी शादी हो गई? जी नहीं, बस आप ही की राह देख रहे थे। देखिए ना राजकुमार साहब, अब आप अपने घर में किसी भी औरत को ले आइए। मलका फिक्टोरिया, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम किसकी औरत को अपने घर ले आए हैं। हसीना, क्या आपको भी हमारा इंतजार था? राजकुमार, हसीना राजकुमार, इनको तो आप अपनी बहन समझिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, आप दोनों की शक्ल एक जैसी है, ऐसा लगता है जैसे दोनों जुड़वा भाई बहन है। नहीं नहीं राजकुमार, ये तो मेरी, मैं जानता हूँ ये आपकी छोटी बहन है और आप इनकी शादी हमारे साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन आपको हमारा साला बनने का इतना क्या शौक? राजकुमार मैं आपसे क्या कहूँ कैप्टन, हम ये एक्शन देखकर समझ गए हैं और हमने अपना रिश्ता कैंसिल कर दिया। चल के हमारी कोठरी दिखाइए। चलिए चलिए। हाँ इधर नहीं, मुझे भी क्या हो गया, उधर चलिए चलिए चलिए। आप तो हमें कोचड़ी की तरह चिपके हुए हैं, हमें आराम करने दीजिए। जरूर जरूर राजकुमार। वाह, फूकने के? जी हुजूर। फूक फूक कर कदम रखो। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम पैदा कहाँ हुए बुलबुले? खटिया पर। तभी खटमल जैसे लग रहे हो, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम कौन से मुल्क में पैदा हुए हो। जी चुप रहो, आओ आओ टेलीविजन और जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ। फुकनी के? जी हुजूर। हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। पाओ पकड़ू मंत्री नहीं, हम तुम्हें इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। तुम गिनती जानते हो? जी हुजूर। तो गिनो। दुवतिया चौका पंजा छक्का, 7-8 महिला मिंडी, गुलाम रानी बादशाह इक्का। गुलगुले जी, इससे ये पूछो क्या ये पहले रमी का क्लब चलाता था? जी नहीं, टीम के टब बनाता। टीम का टब? तो आज से तुम हमारे नहाने का टब साफ करोगे, हम तुम्हें टब साफू डिपार्टमेंट का मंत्री बना देंगे। हुजूर मेरे लिए कोई खिदमत? तुम हमारी टोपी उतारोगे, कोट उतारोगे और पतलून उतारोगे। पतलून? घबराओ नहीं, हमारे पतलून के अंदर चड्डी है। अच्छा उतारो। बाबा मैं इंसाफ की एक बड़ी आशा लिए राजकुमार से मिले। फिर? बाबा अंधे के आगे रोना अपने नैन खोने वाली बात हो गई। बेटा इंसाफ को पल लग चुके, वो दुनिया से उड़ गया, सोच अब अपने देश का क्या होगा। जुल्म और नाइंसाफी की इस खेती में जरूर कोई बागी पैदा होगा। बाबा आज से मैं आपकी बेटी नहीं,
बेटा हूँ। छोटो मोटू इधर आओ, हम तीनों मिलकर गरीबों की मदद करेंगे, आज से तुम दोनों मेरे साथी हो। छिगु, तुम तो मुझे अपना जीवन साथी बना दो। तू मेरा जीवन साथी बनेगा? हाँ छिगु। चल। अजी, अकेले ही अकेले, मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगे? नीलमा, खुशकिस्मती को हमारे घर में दाखिल होते हुए देखा है तुमने? मैंने तो सिर्फ कुमार साहब को रियासत में दाखिल होते हुए देखा है। और देखकर मुझे भी हंसी आ गई थी। अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि राजकुमार को नाकारा बनाने में हमने जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई है। अब हुजूर का क्या कदम उठेगा? अब हमारा कदम तख्त और ताज की तरफ उठेगा, और बड़ी आसानी से ताज हमारे सर पर आ जाएगा। और मेरे सिर पे महारानी का? ऑफकोर्स, ऑफकोर्स। हमने हमेशा तुम्हें रानी समझा है, लेकिन अपने दिल की महारानी। ताज के साथ हमसे और भी कुछ मांग लो। डार्लिंग, तौलिया। तौलिया, तौलिया। ये लो, हमसे तो ये तौलिया ही अच्छा है। टेलीविजन आओ। क्या हाल है महल? वो कैप्टन आपको बिल्कुल बुद्धू समझता है और खुद राजा बनना चाहता है। साला बड़ा दिल फेंकू है, उस लड़के की टांग पकड़ कर दे पप्पी पे पप्पी पप्पी पे पप्पी। बस बस, अब ज्यादा चादर मत उठा। राजकुमार, आप तो नहायत इत्मीनान से आराम फरमा रहे हैं। आराम राजकुमारों के लिए पैदा हुआ और राजकुमार आराम के लिए पैदा हुए। फरमाइए, कैसे आना हुआ? मैं आपको याद दिलाने के लिए आया था कि आपकी सालगिरह में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन पिछले 2 महीने पहले हमारी सालगिरह हुई थी। कैप्टन, हम साल में कितनी बार पैदा होते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। बड़े आदमी जब भी चाहें अपनी सालगिरह मना सकते हैं। लेकिन कैप्टन, हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बार बार पैदा होकर बार बार अपनी अम्मा जान को तकलीफ दें। कैप्टन, इस बार आप हमारी सालगिरह मना लीजिए, लेकिन आज के बाद हम 4 साल तक पैदा नहीं होंगे, वरना खजाने में कमी हो जाएगी। हाँ, आप खजाने की चिंता ना करें, प्रजा अपने राजन के लिए तन के कपड़े तक देने के लिए तैयार है। तन के कपड़े? तो क्या रियासत के तमाम लोग हमारे जन्मदिन की पार्टी पर लंगोट बांध कर आएंगे? कहने का मतलब यह है कि रियासत के लोग धन दौलत सब कुछ दे सकते हैं। अगर हमारी रियासत के लोगों के पास इतना ही धन दौलत है तो उनसे कहिए कि वो अपने कुत्ते और बिल्लियों की सालगिरह मनाए, या उन लोगों की सालगिरह एडवांस में मनाए जो पैदा होने वाले हैं, लेकिन हमें बख्शें क्योंकि हम एक बार ही जन्म लेकर पछता रहे हैं। तो हमें सालगिरह का बंदोबस्त करने की इजाजत है? कैप्टन, हम हमारी सालगिरह पर बहुत बड़ा केक काटेंगे, बहुत दिनों से हमने केक का नाश्ता नहीं किया है। हमने बहुत बढ़िया केक का ऑर्डर दे रखा है। आप कितने अच्छे हैं कैप्टन। कैप्टन, आप केक से मीठे हैं और नाश्ते से ज्यादा मजेदार हैं। जी चाहता है एक दिन आपका भी नाश्ता कर डालू। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों, हमारे महान महाराज सूरज कुमार के जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा चंदा दो। जो ज्यादा से ज्यादा चंदा देगा वो महाराज का महान प्रेमी माना जाएगा। क्या बात है बाबूजी? महाराज के जन्मदिन का चंदा? धीरे बोलिए, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार पड़ी हुई है। धीरे तो बोल रहा हूँ, चंदा दो। चंदा? मेरे पास दवा दारू के लिए पैसे नहीं है बाबूजी। दवा दारू के लिए नहीं, कफन के लिए तो जमा कर रखे होंगे। बोलो। ए, कहाँ जा रहा हो? जरा बाजार बनने की दुकान तक जा रहा हूँ महाराज। राजन बाबू का जन्म का चंदा तो दो महाराज। मेरी तरफ से तो महाराज को आशीर्वाद ही पहुँचा दो। 6 महीने नंगा रहने के बाद ये धोती और कुर्ता आज ही खरीदा महाराज। ये धोती और कुर्ता ही चंदे में दे दो, तुम्हें तो नंगा रहने की आदत है। इस
संदूक में क्या है? थाली है। थाली है? ये खाली है तो इसे खाली घर में रखने की क्या जरूरत है? ए बुढ़िया, जब तेरे घर में अनाज नहीं है तो पीसने के लिए चक्की की क्या जरूरत है? तो फिर चला इसे भी। क्या है भाई? राजन के जन्मदिन का चंदा। हम गरीब आदमी है, रोज रोज चंदा कहाँ देते? तुम हराम खोर हो। कौन हो तुम? मैं वक्त की आवाज हूँ, मैं इनकलाब हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ उठी हुई तलवार हूँ। उसके घर पहुंचा दो और इस लड़की को भी। गा रा मा मा साला गरम मसाला। ओह, वो तुम सब तो साला बनाकर चला गया और तुम सौ होकर एक को नहीं पकड़ सके। ये वर्दियां खोल दो और चोली ब्लाउज पहन लो, तलवारें फेंक दो और कमर के साथ तान तमूरे बांध लो। हुजूर, नकाब पर छिपकर आता है। हुजूर, वो तो बिजली की तरह गिरता है और भप्पड़ मारकर मारस बाब लेकर चला जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ किसी गंदे नदी नाले में डूबकर मर जाओ। नहीं डूबना चाहते तो जाओ ढूंढो उसे, तलाश करो, हमारे सामने लाओ उसे। जाओ नहीं तो मैं खाल खींच लूंगा तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जाओ, निकल जाओ यहां से।